तो है गाइज़, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइज, अगर आपके पास रियलमी C35 मोबाइल है और आप उसमें थ्री फिंगर स्क्रीन शॉट को लेना चाहते हो, तो आज की मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप थ्री फिंगर स्क्रीन शॉट को इनेबल कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैं थ्री फिंगर से स्क्रीन शॉट ले रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है कैप्चर हो रही है। तो इसको कैसे इनेबल करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, अपने मोबाइल की जो सेटिंग है उसको ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाना है आपको नीचे की तरफ, और एक ऑप्शन मिलेगा कन्वीनियंस टूल्स, तो आपको इस पर क्लिक करना है। कन्वीनियंस टूल्स पर इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको जो है गेस्चर एंड मोशन का। सिंपली आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर से दूसरे नंबर पर गेस्चर एंड मोशन, तो इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ से अलाउ करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है आपको स्वेप डाउन विथ थ्री फिंगर टू टेक स्क्रीन शॉट, तो ये आपका डिसेबल रहेगा। तो आपको करना है क्या, इसको इनेबल करना है, और इनेबल करते ही दोस्तों आपके थ्री फिंगर स्क्रीन शॉट जो है वो कैप्चर हो जाएगी। अब यहाँ से आप थ्री फिंगर के रूप में स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट को ले सकते हो अपने रियलमी C35 मोबाइल में। दूसरा तरीका यहाँ पर यह है कि वॉल्यूम की डाउन बटन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करोगे तो यहाँ पर भी आपकी स्क्रीनशॉट फिर से ले ली जाएगी। तो इस तरीके से आप दोस्तों यहाँ पर स्क्रीनशॉट को ले सकते हो।